जब भी कभी दुनिया के सबसे ऐतिहासिक तथा सबसे पुराने देशों की बात आती है तो वहाँ इजिप्ट यानी मिस्र का जिक्र जरूर होता है। वो भी क्यों ना, मिस्र दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक जो है। यहाँ जब भी किसी काम के लिए खुदाई होती है तो अक्सर रहस्यमयी चीजें मिलती ही रहती हैं। चलिए आज आपको इस वीडियो में मिस्र में अब तक खोजी गई 9 सबसे रहस्यमयी चीजों के बारे में बताते हैं। नंबर 9, द डार्क सार्कोफेगस। 2018 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में पुरातत्व विभाग के खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा काले पत्थर का बक्सा मिला। ग्रेनाइट से बने इस बक्से की लंबाई लगभग 9 फीट, चौड़ाई 5 फीट तथा ऊंचाई 6 फीट थी। विशाल बक्सा मिलने की खबर फैलते ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। सभी के जहन में ये बात आ रही थी कि आखिर इतने बड़े बक्से में क्या है। इस बक्से की अच्छी तरह साफ सफाई करने के बाद इसे खोलने का फैसला किया गया। जब इसे खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। इस बक्से में एक साथ 3 नर कंकाल थे। जांच में पता चला कि बक्से में मौजूद 3 कंकाल में से 2 कंकाल पुरुष के थे तथा 1 कंकाल महिला का था। साथ ही एक पुरुष के सर के ठीक ऊपर बड़ा सा सुराख था। जांच में ये बात भी सामने आई कि ये बक्सा लगभग 332 BC के आसपास का है। बक्सा खोलने के बाद अब एक नया रहस्य लोगों के सामने था कि आखिर इस बक्से में कौन लोग थे तथा वो आखिर किस तरह इसमें पहुंच गए। वो कौन लोग थे इसका पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने तीनों ही कंकालों का DNA टेस्ट करने का फैसला किया। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि वो कौन थे। नंबर 8, पिंक परोआ स्टैच्यू। 2019 में खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिले। ये रोमेसिस द्वितीय की मूर्ति थी। रोमेसिस द्वितीय प्राचीन मिस्र का शासक था। जब ये मूर्ति मिली तो इसे अन्य मूर्तियों की तरह ही एक आम मूर्ति समझा जा रहा था, लेकिन जब इसकी अच्छे से साफ सफाई की गई तो सभी हैरान रह गए। ये एक पिंक ग्रेनाइट से बनी मूर्ति थी। पिंक ग्रेनाइट से बने इस तरह की मूर्ति आज तक कहीं नहीं मिले थे, इसलिए ये मिस्र के लिए बेहद खास खोज था। यही कारण था कि मिस्र के पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने इस खोज को रेयरेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी एवर बताया था। नंबर 7, खुफू शिप। मिस्र में खुदाई के दौरान पुरानी चीजों तथा पिरामिडों का मिलना आम बात है, लेकिन 1953 में मिली एक पिरामिड में एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ये एक नाव थे। इस प्रकार के नाव को खुफू शिप कहा जाता है। जांच में ये बात साबित हुई कि ये नाव लगभग 4600 साल पुरानी है। ऐसे में हर किसी को हैरानी हुई कि इतनी पुरानी नाव, वो भी केवल लकड़ी से बनी होने के बावजूद, अब तक सही सलामत कैसे रह गई तथा इस नाव को सैकड़ों साल पहले इतनी कुशलता से कैसे बनाया गया। इसका जवाब अब तक शायद किसी के पास नहीं है। खैर, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नाव एक पिरामिड के अंदर कैसे पहुंच गई। तो बता दें कि प्राचीन मिस्र में एक परंपरा थी कि मरने वाले के अंतिम संस्कार के समय उसके शव के साथ काफी सारी दूसरी वस्तुएं भी रखी जाती थी। संभवतः जिस पिरामिड से नाव बरामद हुई थी उसमें फिरौन वंश के शासक का अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे में लोगों को और भी हैरानी हुई कि बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन साथ में नाव क्यों दफन किया गया था। आपको क्या लगता है, शव के साथ नाव क्यों रखा गया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, द सिल्वर परोआ। प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाले परोआ वंश के राजा सुसेनस की मृत्यु के पश्चात उसे पूरे शाही सम्मान के साथ शाही मकबरे में दफनाया गया था। सैकड़ों साल बीतने के बाद फ्रांस के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट ने उत्तरी मिस्र में शाही मकबरे की खोज की। इस मकबरे के अंदर से चांदी की बनी एक मूर्ति निकले। मिस्र के इतिहास में पहली बार इस तरीके की मूर्ति खोजी गई थी। चांदी से बनी इस मूर्ति का मिलना ज्यादा हैरानी वाला इसलिए था क्योंकि उस जमाने में मिस्र में चांदी आसानी से उपलब्ध नहीं होता था तथा ये गोल्ड से भी महंगा था। आम उपयोग के लिए भी चांदी दूसरे देशों से मंगवाया जाता था। ऐसे में उस समय की चांदी से बनी मूर्ति का मिलना सबके लिए हैरानी का कारण बन गया। इस मूर्ति को मिस्र की सबसे महंगी कलाकृतियों में से एक माना जाता है। नंबर 5, पेटिट सार्कोफेगस। 2010 में खुदाई के दौरान 3 मीटर लंबी एक पत्थर की कब्र मिली। जब उसे खोजा गया तो पत्थरों से बनाई गई महिला की एक पोर्ट्रेट मिली। पोर्ट्रेट में दिख रही महिला की आंखें खुली हुई तथा बड़ी थी। उसके सर पे स्कार्फ बंधा हुआ था। इसके अलावा हाथों में ब्रेसलेट, पैरों में जूतियां तथा गले में नेकलेस भी तराशे हुए थे। प्राचीन मिस्र में पहला मौका था जब इस तरीके की कोई आकृति खोजी गई थी। ये मिस्र में खोजी गई रोमन स्टाइल की पहली मूर्ति थी। हालांकि इस तस्वीर में दिख रही महिला कौन थी, आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस महिला का संबंध प्राचीन मिस्र में किसी अमीर घराने से रहा होगा तथा उसने अपनी ये आकृति पत्थरों पर बनवाई होगी। जांच से ये भी पता चला कि पोर्ट्रेट 2000 साल पुरानी है। नंबर 4, सेरापियम ऑफ सक्वारा। कुछ साल पहले इजिप्ट की राजधानी काहिरा से दक्षिण की ओर एक अंडरग्राउंड प्राचीन धार्मिक स्थल ढूंढा गया। ये धार्मिक स्थल प्राचीन मिस्र के ग्रीको इजिप्शियन समुदाय के देवी देवताओं को समर्पित था। इसकी खोज होने के बाद से ही ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। दरअसल जमीन के नीचे खोजे गए इस स्थान पे पत्थरों से बने 24 कब्र के आकार के स्ट्रक्चर थे। ये स्ट्रक्चर काफी बड़े थे जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता था कि कब्रनुमा स्ट्रक्चर इंसानों के लिए तो नहीं
बल्कि इसे किसी अन्य काम के लिए बनाया गया है। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये जो स्ट्रक्चर हैं संभवतः ग्रीको इजिप्शियन धर्म के मानने वालों द्वारा अपने पवित्र जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए हैं। इस संबंध में एक और थ्योरी ये है कि इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में एक विशेष प्रकार के पत्थरों को रखकर इन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। सील होने के कारण अंदर निर्वात की स्थिति बन जाते थे। इससे वो पत्थर CO2 से रिएक्शन कर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते थे जिससे एक विशेष प्रकार के किरण निकलते थे। हालांकि इन दोनों थ्योरीज पे लोगों की अलग अलग राय है, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है ये अब तक लोगों के बीच कौतूहल का विषय ही बना हुआ है। नंबर 3, फायर मम्मी पोर्ट्रेट्स। प्राचीन मिस्र में एक समय आमतौर से पेंटेड पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते थे, लेकिन समय के साथ ये खत्म होते गए। हालांकि 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साथ लगभग 150 पोर्ट्रेट पेंटिंग्स खोजकर लोगों को हैरान कर दिया। ये पेंटिंग्स काफी पुराने तथा लकड़ी पे उकेरे गए थे। ये सभी पेंटिंग्स मम्मी के साथ मिले थे। सैकड़ों साल पुराने चित्र होने के बावजूद ये पेंटिंग्स काफी साफ दिख रहे थे। ये पेंटिंग्स मिस्र में फायम नाम की जगह पे 1887 से 1889 के बीच मिले थे। प्राचीन मिस्र पर लंबे समय तक रोमन का भी शासन था और वो विशेष रूप से फायम में ही रहते थे, इसलिए मिले सभी पेंटिंग्स में प्राचीन मिस्र के साथ साथ रोमन इजिप्शियन संस्कृति की झलक थी। इन तस्वीरों पर काफी लंबे समय तक रिसर्च चली तथा लंबे रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सभी तस्वीर प्राचीन मिस्र में ही विशेषज्ञ चित्रकारों द्वारा बनाई गई थी तथा इसे ज्यादातर लोगों की मृत्यु के बाद बनाया गया था। बनाने के बाद इसे मम्मी के साथ ही दफन कर दिया गया था। नंबर 2, हाई प्रीस्ट टॉम्ब। जब प्राचीन मिस्र में सक्कारा नाम की जगह पे वाइट नाम के एक बड़े धार्मिक गुरु की मृत्यु हुई तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंडरग्राउंड मकबरे में दफन कर दिया गया। ये मकबरा कहाँ था लंबे अरसे तक किसी को पता नहीं चल पाया था। आखिरकार 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट के खोजी दल ने इस मकबरे का पता लगा लिया। यह मकबरा जमीन से लगभग 16 फीट नीचे बनाया गया था। इसकी चौड़ाई लगभग 10 फीट तथा लंबाई 33 फीट थी। जांच में बात सामने आई कि यह मकबरा लगभग 4400 साल पुराना है। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि इसके अंदर बने हुए पेंटिंग्स अब भी स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। इसके अलावा इस मकबरे के अंदर कई तरह की अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई थी। सभी पेंटिंग अब भी अस्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। नंबर 1, वैली ऑफ द गोल्डन ममीज। गधे को अक्सर किसी काम का नहीं समझा जाता, लेकिन मिस्र में गधे की वजह से एक बड़े रहस्य से पर्दा उठा था। दरअसल एक व्यक्ति अपने गधे के साथ सड़क पे जा रहा था, तभी गधे का पैर एक सुराख में घुस गया। देखने से पता चला कि वो सुराख काफी गहरा है। जब आगे जांच की गई तो पता चला कि वहाँ एक अंडरग्राउंड जगह है। वहाँ जाने पे पता चला कि यहाँ काफी सारी ममीज रखी हुई है। ये पूरा क्षेत्र 5.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और यहाँ पे 250 ममीज रखी हुई थी। अनुमान लगाया गया कि ये सभी ममीज लगभग 2000 साल पुराने हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इन सभी रहस्यमयी खोजों में से आपको सबसे रहस्यमयी खोज क्या लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाते जाएं ताकि अब तक रोचक वीडियोस आते रहें। धन्यवाद।